वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे पावरफुल सॉर्सरर्स के बीच बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं जो अपनी पावर का यूज करके अपने अपने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सभी एनिमीज को अकेले ही डिफीट कर सकते हैं। और इन दोनों ही सॉर्सरर्स को हरा पाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपका इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना। दरअसल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन एनिमे में दिखाए गए जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो सातोरू की और मार्वल यूनिवर्स में दिखाए गए सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की। एंड क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स हैं, इसलिए आज हम इन्हीं दोनों के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं। बट इस बैटल कंपैरिजन में हम अपने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं बल्कि मार्वल की एनिमेटेड व्हाट इफ सीरीज में दिखाए गए डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट पावरफुल वर्जन सुप्रीम स्ट्रेंज को लेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी पावर से गोजो को हरा पाएगा या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इफ सीरीज में दिखाए गए सुप्रीम स्ट्रेंज की। तो सुप्रीम स्ट्रेंज मार्वल की एक अल्टरनेट टाइमलाइन का डॉक्टर स्ट्रेंज है जो अपने यूनिवर्स के अंदर एक कार एक्सीडेंट में अपनी फियांसे क्रिस्टीन को खो देता है। एंड अपनी फियांसे क्रिस्टीन को खोने के बाद ये सुप्रीम स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनने की कोशिश करता है ताकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर सके जब उसकी क्रिस्टीन की डेथ हुई थी। बट क्योंकि इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी, इसीलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता था और इस यूनिवर्स के अंदर क्रिस्टीन का मरना जरूरी था डॉक्टर स्ट्रेंज के सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए। बट सुप्रीम स्ट्रेंज इस बात को नहीं मानता और वो अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनके उस पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज कर देता है जब उसकी क्रिस्टीन की डेथ हुई थी। एंड क्योंकि क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी, इसीलिए उसे चेंज करने की वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज का पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 400 सालों तक डिफरेंट टाइप्स की पावरफुल से पावरफुल मैजिकल बुक्स और स्पेल्स को मास्टर किया है और इसी के साथ ही उसने अपने यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल एंड मिस्टिकल मैजिकल बींग्स को भी एब्जॉर्ब किया था जो उसे अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बींग बनाते हैं। एंड जिन मैजिकल बींग्स को सुप्रीम स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब किया था वो कोई ऐसे वैसे मैजिकल बींग्स नहीं थे बल्कि वो अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल मैजिकल बींग्स थे और उनमें से कुछ मैजिकल बींग्स तो दिखने में सेम टू सेम सोमा गोराथ और डोरमामू की तरह लग रहे थे। अब ये वही थे या नहीं ये तो हमें अभी तक कंफर्म नहीं किया, बट उनके जैसे दिखने वाले इन दोनों बींग्स को भी सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया था। इसके अलावा सुप्रीम स्ट्रेंज ने सिर्फ इन मॉन्स्टर्स को ही एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि उसने तो अपने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज वाले वर्जन को फाइट में हराकर उसे भी एब्जॉर्ब किया था। और इन सभी पावरफुल मैजिकल बींग्स को एब्जॉर्ब करने और अपने यूनिवर्स का इकलौता मोस्ट पावरफुल बींग बनने के बाद हमने देखा कि कैसे ये सुप्रीम स्ट्रेंज अपने डार्क मैजिकल सुपर पावर से अकेले ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को उसके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। एंड इस फाइट में सुप्रीम स्ट्रेंज ने अकेले ही अपने डार्क मैजिक की हेल्प से अल्ट्रॉन को इतना परेशान किया कि खुद अल्ट्रॉन भी उसकी इन सभी पावर्स को देख के पूरी तरह हैरान रह गया था। और इसी से आप सभी सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर का आइडिया लगा सकते हो। गैलेक्सी बस्टर ब्लास्टर्स और अटैक्स को सुप्रीम स्ट्रेंज बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है जैसा कि उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के खिलाफ फाइट में किया था और अपने एब्जॉर्ब किए गए बींग्स की बॉडी पार्ट्स को वो अपने फाइट्स में भी यूज कर सकता है जैसा उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के खिलाफ अपने फाइट में ड्रैगन्स और अपने दूसरे मॉन्स्टर्स को यूज किया था। बट सुप्रीम स्ट्रेंज की ये पावर्स तो फिर भी कुछ भी नहीं बिकॉज व्हाट इफ सीजन 2 में तो इस सुप्रीम स्ट्रेंज की ये सभी मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि उसने अपने इन सभी डार्क मैजिकल पावर्स से एक या दो यूनिवर्स के नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को हरा के उन्हें इसी तरह के क्रिस्टल के अंदर कैद करके रखा था ताकि वो उन सभी को मार के अपने यूनिवर्स को दोबारा से जिंदा कर सके। और इन सभी कैरेक्टर्स में थेनोस, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी किलमोंगर, सर्टर, हेला, थॉर, जॉम्बी स्कारलेट विच और सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड जैसे बहुत से पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी शामिल थे। और फिर इस सुप्रीम स्ट्रेंज या मैं कहूँ कि डीमन स्ट्रेंज को रोकने के लिए जब कैप्टन कार्टर और काहोरी मिलकर उससे फाइट करने आते हैं तब वो इन्फिनिटी स्टोन, गंगनीर, म्योलर और टैंगरिंग्स जैसे पावरफुल वेपन्स के साथ भी डीमन स्ट्रेंज को हरा नहीं पाते। डीमन स्ट्रेंज लिटरली म्योलर को अपने मुंह से तोड़ देता है, टैंगरिंग्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन को अपने सिर्फ एक ही हाथ से एब्जॉर्ब कर लेता है। और तो और कैप्टन कार्टर के उस पर इन्फिनिटी स्टोन से किए गए फुल पावर ब्लास्ट को भी वो इजीली सर्वाइव कर लेता है। बट अब आखिर ये डीमन स्ट्रेंज एक्चुअल में है कौन? तो जो भी मॉन्स्टर और बींग सुप्रीम स्ट्रेंज ने व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर एब्जॉर्ब किए थे उन सभी मॉन्स्टर्स ने मिलकर स्ट्रेंज के अंदर एक इविल पर्सनालिटी बनाई थी जो उसे सीजन 2 के अंदर कंट्रोल कर रही थी और इसी पर्सनालिटी की हेल्प से सुप्रीम स्ट्रेंज मल्टीवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट कर पाया था। बट क्या इन सभी पावर्स के साथ सुप्रीम स्ट्रेंज जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो को हरा पाएगा या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर गोजो सातोरू को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और सॉर्सरर बताया गया है जिसे हरा पाना किसी भी दूसरे सॉर्सरर के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एंड जब भी गोजो किसी कर्सेस या एनिमीज से फाइट करता है तब वो अपनी फाइट्स में अपने एनिमीज पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता एंड अपने एनिमीज को मारने के लिए ये उन पर इतने ब्रूटल और पावरफुल अटैक करता है जिनसे वो एक ही बार में खत्म हो जाएं। एंड आप सभी गोजो सातोरू की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जेजेके यूनिवर्स में जब गोजो का जन्म हुआ था तब उसकी पावर से पूरी दुनिया की कर्स एनर्जी अनबैलेंस्ड हो गई थी। अगर आप अभी नहीं समझे तो समझाता हूँ। तो गोजो के जन्म से पहले जेजेके यूनिवर्स में कर्सेस और सॉर्सरर्स की जो एनर्जी थी वो दोनों एकदम बराबर रहती थी, लेकिन गोजो के पैदा होते ही कर्सेस की एनर्जी एकदम से कम हो गई और सॉर्सरर्स की एनर्जी
काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई और इसका रीजन था गोजो की सिक्स साइज और लिमिटलेस टेक्निक जो कि उसे अपने जन्म से ही मिली है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी टाइप की कर्सेस एनर्जी को महसूस कर सकता है। गोजो की पावर्स की बात करें तो गोजो हैंड टू हैंड फाइट में मास्टर है एंड कोई भी नॉर्मल इंसान इसकी फाइटिंग स्पीड को देख भी नहीं सकता। यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ कर्सेस सुकुना भी इसकी फाइटिंग टेक्निक और स्पीड को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। एंड क्योंकि गोजो के पास सिक्स साइज है इसलिए वो अपने एनिमीज की कर्स एनर्जी लेवल को पहले से ही जान सकता है एंड अपने एनिमीज के अटैक करते ही गोजो को ये पता चल जाता है कि उसके ऊपर कहां से अटैक होने वाला है, जिस वजह से वो उन सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। एंड जुजुत्सु कायसन सीजन 1 में हमने देखा भी था कि जब जोगो गोजो से फाइट करने आता है तब उसके कोई भी फायर अटैक गोजो को छू भी नहीं पाते। इसके अलावा गोजो के पास एक काफी कमाल की टेक्निक है जिसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसकी हेल्प से गोजो अपनी बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही घंटों में हील कर सकता है, जिस वजह से गोजो को छोटे मोटे अटैक से मार पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज जब भी गोजो को कोई चोट लगती है तब वो अपनी इस रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर लेता है। इसके साथ ही गोजो के पास इन्फिनिटी है जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर की तरह मौजूद रहती है, इसलिए कोई भी कैरेक्टर या वेपन गोजो को बिना उसकी मर्जी के छू भी नहीं सकता। गोजो अपने सिक्स साइज और कर्स एनर्जी से पूरे स्पेस को मैनिपुलेट करके उसे अपनी बॉडी के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड की तरह यूज करता है, जिस वजह से गोजो के एनिमीज का कोई भी अटैक गोजो के इस स्पेस बैरियर को पार ही नहीं कर पाता। इसीलिए किसी भी नॉर्मल अटैक से गोजो को हराना या उसे मार पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। एंड इसके साथ ही जितनी ज्यादा कमाल की गोजो की इन्फिनिटी है उससे भी कई ज्यादा कमाल की और पावरफुल उसके अटैक्स हैं। एंड उसका जो सबसे पहला अटैक है वो है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, जिसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करके एक ब्लू कलर की ब्लैक होल टाइप की एनर्जी को क्रिएट करता है जो कि अपने आसपास की सभी चीजें अपनी तरफ खींचने लगती है, जिस वजह से वो अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींच के पूरी तरह से तबाह कर देती है। और ठीक इसी तरह गोजो का दूसरा अटैक है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, जो कि एक्चुअल में ब्लू का ही उल्टा है, और इसका यूज करते टाइम गोजो अपने हाथों से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है जो अपने अंदर से काफी पावरफुल शॉक वेव्स को रिलीज करती है एंड इसकी शॉक वेव के कॉन्टेक्ट में जो भी चीज आती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट ये अटैक तो फिर भी कुछ भी नहीं, बिकॉज जब भी गोजो के सामने कोई पावरफुल अपोनेंट आता है तब वो उसे हराने के लिए अपने इस ब्लू कर्स टेक्निक और रेड कर्स टेक्निक को मर्ज करके काफी पावरफुल पर्पल कलर की एनर्जी क्रिएट करता है जिसका नाम है होलो पर्पल। एंड इस अटैक से बच पाना किसी भी कैरेक्टर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि ये अटैक अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड जुजुत्सु कायसन एनिमे में हमने देखा भी था कि जब गोजो इस अटैक को टोजी पर यूज करता है तब उस अटैक की वजह से टोजी की आधी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा गोजो के पास सुपर स्पीड और टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी मौजूद है जिसकी हेल्प से वो कहीं पर भी चुटकियों में टेलीपोर्ट हो जाता है। और रही बात उसकी सुपर स्पीड की तो आप सभी उसकी सुपर स्पीड का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि जुजुत्सु कायसन सीजन 2 में जब माहितो शिबुया में हजारों कर्सेस स्पिरिट को आजाद कर देता है तब गोजो अपनी सुपर स्पीड से उन सभी कर्सेस को सिर्फ 299 सेकंड में ही खत्म कर देता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है। इसके अलावा गोजो का जो लास्ट और सबसे पावरफुल अटैक है वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसकी हेल्प से गोजो खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट करके अपने एनिमीज को उसमें ट्रैप करता है, जिसके अंदर ट्रैप होने के बाद गोजो का कोई भी अपोनेंट अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। गोजो का अपोनेंट उसके डोमेन में सिर्फ अपने माइंड को यूज कर पाता है ना कि अपनी बॉडी को, जिस वजह से गोजो अपने डोमेन के अंदर अपने एनिमीज को बहुत ही इजीली मार देता है। एंड जुजुत्सु कायसन एनिमे में हमने देखा भी था कि जब गोजो इस अटैक को जोगो के खिलाफ यूज करता है तब जोगो अपनी बॉडी को चाकर भी हिला नहीं पा रहा था, इसलिए जुजुत्सु कायसन एनिमे में डोमेन एक्सपेंशन अटैक गोजो का मोस्ट पावरफुल और डेंजरस अटैक बताया गया है, जिससे बच पाना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यही सारी कुछ कमाल की पावर्स हैं गोजो सातोरू की, बट क्या ये सभी पावर्स सुप्रीम स्ट्रेंज के खिलाफ फाइट करने में काम आएंगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो गोजो सातोरू और सुप्रीम स्ट्रेंज ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स हैं, जिन्हें हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ जहाँ गोजो के पास उसके डोमेन एक्सपेंशन होलो पर्पल, कर्स टेक्निक रेड एंड कर्स टेक्निक ब्लू और इन्फिनिटी जैसे पावरफुल अटैक हैं, तो वहीं सुप्रीम स्ट्रेंज के पास 400 सालों के एक्सपीरियंस के साथ साथ इतने पावरफुल और मैजिकल स्पेल्स मौजूद हैं जिनसे वो इन्फिनिटी स्टोन तक की पावर्स को बराबर की टक्कर दे रहा था। और सुप्रीम स्ट्रेंज के आगे इन्फिनिटी स्टोन ऐसे लग रहे थे जैसे वो सुप्रीम स्ट्रेंज के लिए कोई मामूल से वेपन हो। सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपनी मैजिकल पावर से ना सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन को बराबर की टक्कर दी बल्कि उसने तो सभी इन्फिनिटी स्टोन की फुल पावर को भी ओवर पावर कर दिया था, और ये सब उसने अपनी टीम को बचाते हुए किया था। तो अगर ये बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे सकता है तो फिर गोजो को हराना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लाइक सुप्रीम स्ट्रेंज गोजो को या फिर गोजो की बॉडी की सारी कर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे इजीली हरा सकता है, और बिना अपनी कर्स एनर्जी के गोजो अपना कोई भी अटैक यूज नहीं कर पाएगा। और वैसे भी इन दोनों की इस बैटल में गोजो के पास उसके डोमेन एक्सपेंशन के अलावा ऐसा कोई भी अटैक नहीं है जिससे वो सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा सके, क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक्स तक को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पावर ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर
कर चुका है, इसलिए उसके आगे गोजो के होलो पर्पल कस्ट टेक्निक रेड और ब्लू ये सभी अटैक्स कुछ भी नहीं। इस बैटल में गोजो को जो चीज उसे अपर हैंड दिलाएगी वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, जिसका यूज करने के बाद अगर सुप्रीम स्ट्रेंज इस डोमेन के अंदर ट्रैप हो गया तो फिर सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी बॉडी को चाहकर भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज ने 400 सालों तक डिफरेंट टाइप्स के मैजिकल बुक्स को रीड किया है और उसने मल्टीवर्स के मोस्ट पावरफुल बींग्स को हराया है, इसलिए आई एम श्योर कि उसके पास ऐसा कोई ना कोई तो स्पेल होगा जिससे वो गोजो के डोमेन को इजीली तोड़ देगा। इसके अलावा सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी मौजूद है जिसका यूज करके वो चाहे तो गोजो को उसके डोमेन बनाने से पहले ही रोक सकता है और उसे अपने टाइम स्टोन और अपने डार्क मैजिकल पावर्स के साथ इजीली हरा भी सकता है। एंड रही बात गोजो की इन्फिनिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोजो अपने सिक्स साइज और कर्स टेक्निक से पूरे स्पेस को मैनिपुलेट करके उसे अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड की तरह यूज करता है, जिस वजह से गोजो का कोई भी अपोनेंट या उसका कोई भी अटैक इस स्पेस को कभी पार ही नहीं कर पाता। बट गोजो के एनिमीज के वो सभी अटैक्स जो पूरे स्पेस को डिस्ट्रॉय या फिर पूरे स्पेस को काट सकते हैं, वो सभी अटैक गोजो की इन्फिनिटी को भी इजीली तोड़ सकते हैं, जिस तरह मांगा के अंदर सुकुना ने अपने स्पेस कटिंग स्लैसेस की हेल्प से किया था। एंड सुप्रीम स्ट्रेंज के पास तो स्पेस को डिस्ट्रॉय करने वाले ऐसे बहुत से पावरफुल मैजिकल अटैक्स हैं जिनका यूज करके सुप्रीम स्ट्रेंज गोजो की इन्फिनिटी को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सभी चीजों को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जुजुत्सु एनिमे में दिखाया गया जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो सातोरू अपने यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट वो अभी इतना पावरफुल नहीं कि वो अपनी दो तीन स्पेशल पावर्स के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के मोस्ट पावरफुल वर्जन सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा सके। लाइक ये बंदा अपने प्यार को पाने के लिए अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स के मोस्ट पावरफुल बींग्स को हरा चुका है। एंड इसीलिए इन सब चीजों को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज इस बैटल में गोजो को इजीली हरा देगा। तो दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यही था हमारा आज का बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इसको एक लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।